हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल टैलेंट ट्रुथ चैनल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ये हमारे टीम का 5 नंबर का चैनल है। अभी आपको इस चैनल पर जेन्युइन वीडियोस लाते हैं दोस्तों। इन वीडियो से आपकी बहुत हेल्प होंगी और सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। और हाँ, आप अगर न्यू यूट्यूबर है तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि हम आपके चैनल का प्रमोशन करने वाले हैं फ्री में। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, फिर हम कुछ कमेंट पिक करेंगे और उनके नाम लेंगे दोस्तों। भारत में क्रिकेट के प्रति दीवानगी किसी भी अन्य खेल से बेजोड़ है। इतना ही नहीं, यह देखना भी दिलचस्प है कि क्रिकेटर बनने के बाद लोगों की जिंदगी कैसे बदलती है। यही वजह है कि आज हर दूसरा युवा शिक्षा के साथ क्रिकेट में करियर बनाने से नहीं चूकता। एक दशक पहले शुरू हुई इंडियन प्रीमियर लीग के माध्यम से कई ऐसी प्रतिभाएं सामने आई हैं, जिनमें से एक है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव आज भले ही महाराष्ट्र में रह रहे हों, लेकिन उनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश है। सूर्य कुमार यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने आज क्रिकेट में अपना नाम इसलिए बनाया है क्योंकि वह कम उम्र से ही खेलों में अपना करियर बनाना चाहते थे और उन्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट उनके चाचा विनोद यादव से मिला, जो खुद क्रिकेट कोच थे। वही परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके माता पिता ने उन्हें अपना करियर चुनने में पूरा सहयोग दिया। सूर्य कुमार जब महज 10 साल के थे, तब उनका परिवार वाराणसी से मुंबई आ गया था। उन्होंने स्कूल की टीम के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने प्रतिष्ठित वेंगसरकर क्रिकेट अकादमी से क्रिकेट की ट्रेनिंग ली। धीरे धीरे उनका क्रिकेट कौशल सभी के लिए स्पष्ट हो गया, जब उन्होंने 2010 के प्रथम श्रेणी क्रिकेट सत्र में दिल्ली के खिलाफ 90 गेंदों पर 73 रन बनाए। फिर उन्होंने मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना शुरू किया और अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर में 20 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 56 की औसत से 1370 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर में 24 अर्धशतक और 12 शतक भी बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 200 रनों का बड़ा खेल खेला और अपने टैलेंट से सभी को रूबरू कराया। कहा जाता है कि सूर्य कुमार के जीवन का टर्निंग पॉइंट 2011 साल का था, जब उन्होंने मुंबई के लिए खेलते हुए उड़ीसा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में दोहरा शतक बनाया था। उन्होंने मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में 2011 सीजन में सबसे अधिक 754 रन बनाए। से जितना प्यार था बैडमिंटन से भी उतना ही प्यार था। ऐसे में एक दिन उनके पिता ने उन्हें फोन किया और कहा कि इन दोनों खेलों में से किसी एक को अपने करियर के रूप में चुने, जिसके बाद उन्होंने बड़े ध्यान से क्रिकेट में अपना करियर जारी रखा। सूर्य कुमार यादव की पत्नी देवी भी उनकी बल्लेबाजी से काफी प्रभावित हुई और यहीं से उनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ी। मुंबई के लिए उन्होंने लगातार तीसरे साल एक ही सीजन में 400 से ज्यादा रन बनाए। ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे एकमात्र अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। अनकैप्ड खिलाड़ी वो होते हैं जो टीम इंडिया के लिए नहीं खेले हैं। सूर्य कुमार यादव ने आईपीएल में अब तक 101 मैचों में 30.20 की औसत और 134.57 के स्ट्राइक रेट से 2024 रन बनाए हैं। उन्होंने 11 अर्धशतक लगाए हैं। सूर्य कुमार एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 आईपीएल मैच खेले हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने से पहले 2000 से अधिक रन बनाए हैं। उनके बिना ऐसा रिकॉर्ड रखने वाला कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं है। ऐसी वीडियोस लेटेस्ट जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।